हाई एवरी वन, डॉक्टर नवदीप कौर हेयर एंड टूडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सनस्क्रीन और सन ब्लॉक्स। सो ऑफ लेट मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डॉक, सनस्क्रीन में जो SPF लिखा होता है वो SPF क्या है, मेरे लिए SPF 30 बेटर है या फिर SPF 60 बेटर है। देर आर मेनी पेशेंट्स हू टेल मी कि डॉक मैं मार्केटिंग में काम करती हूँ, मुझे हर टाइम मेकअप लगा के रखना पड़ता है, मैं अपने मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन लगाऊँ या मेकअप के नीचे सनस्क्रीन लगाऊँ। देर आर फ्यू पेशेंट्स हू टेल मी कि मुझे सनस्क्रीन लगाना ही नहीं है बिकॉज मेरी जो स्किन है वो बहुत ऑयली है, मैं अपने फेस पे जब सनस्क्रीन लगाता हूँ तो मेरे पिंपल्स और बढ़ जाते हैं या फिर पिंपल्स हो जाते हैं। सो गाइज, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स एंड फॉर यू आई एम गोइंग टू टेल यू SPF क्या होता है, आपको कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कौन सी टाइप की लगानी चाहिए, आपके फेस के लिए कौन सी सनस्क्रीन सूटेबल है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज अबाउट यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं वो होती है यूवी ए और यूवी बी। 95% ऑफ द रेडिएशंस आर यूवी ए कॉज उसे ओजोन लेयर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो हमें इमीडिएट टैनिंग, सनबर्न्स कॉज कराता है। एज अपोज टू दैट यूवी बी रेडिएशंस हायर वेवलेंथ्स की होती हैं, डीपर पेनिट्रेटिंग होती हैं, हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको इनडायरेक्ट DNA डैमेज करती है। सो बी फॉर बैड, दे कॉज ऑल द कैंसर्स, स्किन कैंसर्स एंड ऑल्सो द सनबर्न्स। सो जो हमारी सनस्क्रीन्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, वो UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो व्हेन यू बाय योर सनस्क्रीन कीप इन माइंड उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, UVA एंड UVB। सो सनस्क्रीन्स कितने तरह की होती हैं? सनस्क्रीन्स दो तरह की होती है, फिजिकल सनस्क्रीन्स एंड केमिकल सनस्क्रीन्स। फिजिकल सनस्क्रीन्स जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं, ये सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ, ये स्किन के ऊपर रहती हैं और जो सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं उनको ये सीधा डिफ्लेक्ट कर देती हैं। और जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होती हैं और 20-15 मिनट्स तक एक्टिवेट होती हैं और उसके बाद ये जो सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं उनको ये फिल्टर करती है, उनको ये अब्जॉर्ब करती है और हमारी स्किन को हार्म नहीं होने देती। सो हम लोग क्यों कहते हैं कि सनस्क्रीन 15-20 मिनट पहले लगाओ, बाहर जाना है तो पहले 15 मिनट पहले उसको लगा के रखो, बाद में घर से बाहर जाओ, क्योंकि जो सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन होती है वो पहले 15-20 मिनट का टाइम लेती है, अब्जॉर्ब होती है स्किन में, फिर वो उसका जो अब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट होता है। सो द सेकेंड थिंग विच कम्स इज SPF। SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो हमारी सनस्क्रीन है वो हमें सन से कितना प्रोटेक्ट कर रही है। सो SPF 2-100 के बीच तक का होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सनस्क्रीन के ऊपर लेबल्ड है SPF 30, इट मीन्स 1/30 ऑफ द बर्निंग रेडिएशन एंटर थ्रू द थिकनेस ऑफ द सनस्क्रीन एंड इट इज प्रोटेक्टिंग अराउंड 97%। एंड जो SPF 50 है वो 1/50 मीन्स इट्स प्रोटेक्टिंग, इट्स ब्लॉकिंग 98% ऑफ द सन रेज। सो ज़्यादा फर्क नहीं है SPF 30 और 50 में। सो ज़्यादा पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी महंगी सनस्क्रीन होगी। आई थिंक अबव 50 इज ऑल मार्केटिंग, यू कैन गो फॉर SPF 50, इट्स गुड इनफ फॉर यू। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए सनस्क्रीन, राइट। अब आते हैं फॉर्मुलेशंस पे। तो सनस्क्रीन बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में आती है, इट कम्स जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड, क्रीम बेस्ड। सो जो एक्ने प्रोन पीपल हैं दे शुड यूज द जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स, बिकॉज उससे उनके ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इन द एंड गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ज़रूरी नहीं जो सनस्क्रीन आपको सूट कर रही है वो किसी और को सूट करे, या फिर जो सनस्क्रीन आपकी फ्रेंड को सूट कर रही है वो आपको भी सूट करे। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट स्किन टाइप, लुक फॉर द फॉर्मुलेशंस विच सूट योर स्किन। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड दैट योर सनस्क्रीन शुड लुक कॉस्मेटिकली एलिगेंट।
ऐसा ना हो कि उससे लगाने के बाद आपका फेस बिल्कुल वाइट हो जाए, वो भी अच्छा नहीं लगेगा. ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए. एंड हाँ, आप अपने मेकअप को सनस्क्रीन लगाने के बाद लगा सकते हो. थैंक यू गाइज. इफ़ यू हैव क्वेरीज यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच.